विद्युत मंडल पेंशनर्स संघ द्वारा अपनी मांगों के लिए धरना और ज्ञापन अधीक्षण यंत्री धार को सौंपा है। दिनांक 19 जून 2023 को विद्युत मंडल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति मध्यप्रदेश के आह्वान पर विद्युत पेंशनर संघ धार एवं मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसिएशन भोपाल द्वारा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक अपनी मांगों के समर्थन शासन प्रशासन की हट धर्मिता तोड़ने हेतु अधीक्षण यंत्री धार कार्यालय मांडू रोड पर धरना प्रदर्शन कर अधीक्षण यंत्री धार को मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अधीक्षण यंत्री द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाए जाने हेतु पेंशनर्स को आश्वस्त किया। ज्ञापन से पूर्व धरना स्थल पर संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी चंपालाल पाटीदार, प्रांतीय उपाध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश ओपी वर्मा, जिला अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन राम भरोसे वर्मा, प्रांतीय सचिव सत्यनारायण शर्मा, गुलाब सिंह कन्नौजिया आदि का सम्मान किया। आप सभी द्वारा सभी को संबोधित करते हुए पेंशनर्स की सभी 9 मांगों को शासन प्रशासन द्वारा अति शीघ्र मनाने हेतु एक स्वर में आवाज उठाई और मध्यप्रदेश शासन के अड़ियल रवैये के प्रति आक्रोश जताया। साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष श्याम जोशी की ओर से कहा कि हर परिस्थिति में विद्युत पेंशनर संघ के साथ हैं, भरोसा दिलाया है।